कमलेश तिवारी की हत्या मामले में गुजरात एटीएस ने मंगलवार को दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब आरोपी राजस्थान से गुजरात जा रहे थे। आरोपियों की पहचान अशफाक हुसैन जाकिर हुसैन शेख और मोहिद्दीन खुर्शीद पठान के रूप में की गई। दोनों गुजरात राजस्थान सीमा स्थित सूरत के सामलजी के रहने वाले हैं। सरकार की कार्यवाही पर कमलेश तिवारी की मां कुसुम ने खुशी जाहिर की है। कुसुम ने कहा कि सभी को फांसी दे दी जानी चाहिए, मैं सरकार की कार्यवाही से संतुष्ट हूँ। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस समेत विपक्ष के 6 विधायक आज बीजेपी में शामिल होंगे। कई दौर की बातचीत के बाद सभी 6 विधायक मुख्यमंत्री रघुवर दास के सामने सुबह 11 बजे पार्टी कार्यालय में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। कई महीनों से इन विधायकों की बीजेपी में शामिल होने की बात चल रही थी। कठुआ गैंगरेप केस में नया मोड़ आ गया है। एक अदालत ने कठुआ गैंगरेप और हत्या मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम पर केस दर्ज करने का आदेश दिया है। एसआईटी पर गवाहों को धमकाने और झूठे सबूत तैयार करने का आरोप है। कोर्ट ने सभी तथ्यों की जांच के बाद एसआईटी में शामिल सभी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं और इस आदेश को 7 नवंबर तक अमल में लाने को कहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे गुरुवार को आएंगे, लेकिन उससे पहले इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के सर्व ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। एग्जिट पोल में बीजेपी की सीटें घटती नजर आ रही हैं, तो कांग्रेस की सीटों में इजाफा होता दिख रहा है। कांग्रेस बीजेपी दोनों बहुमत के जादुई आंकड़े को छू नहीं पा रही है। कांग्रेस आलाकमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा में चेहरे बनाने और कुमारी शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फैसला विधानसभा चुनाव ऐलान से महज 15 दिन पहले ही लिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भरोसा जताने में कांग्रेस आलाकमान ने देर तो नहीं कर दी। लखनऊ दिल्ली लखनऊ के बीच तेजस एक्सप्रेस को शुरू हुए करीब 3 हफ्ता बीत चुका है, लेकिन मॉडर्न सुख सुविधाओं से लैस इस ट्रेन के कैबिन होस्टेस काफी परेशान हैं और उनकी परेशानी की वजह कुछ पैसेंजर हैं जो उनकी फोटो खींचते हैं, उनकी वीडियो बनाते हैं। ट्रेन में काम करने वाली एक होस्टेस ने कहा, हम लोग जब यात्रियों को सर्व कर रहे होते हैं तो उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना कैमरा ऊपर की तरफ रखकर हमारी तस्वीरें लेते हैं, वीडियो बनाते हैं। इतना ही नहीं, यात्रा करने वाले यात्री उनके साथ सेल्फी भी लेते हैं, जिसे वो चाहकर भी मना नहीं कर पाती। कई बार तो पैसेंजर बिना वजह बटन दबाकर होस्टेस को बुला लेते हैं। यह मामला यहीं तक सीमित नहीं है, होस्टेस से मोबाइल नंबर तक मांगे जाने की बात सामने आई है। बने रहे अखंड भारत के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए।